चुके हैं, सबको रेडी हो चुका है, जाने वाले हैं साइट सीन के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं कुछ अच्छा अच्छा बर्ड, शायद अगर मोर कैमरा में आ जाता है तो। और ये हो गया हम लोगों का टेंट। ये है हम लोगों का टेंट, यहाँ पे और भी टेंट बना हुआ है, इधर में दो है, इधर में दो है। तो चलिए चलते हैं। हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी सबसे खास बात जो है, पहला बात तो टेंट में रुके सारे रात, अलग ही लेवल का मज़ा है। उससे भी खास बात नहीं, और एक खास बात जो है, कितने दिनों के बाद या फिर कितने सालों के बाद सूरज उगता हुआ दिखेंगे। मतलब अभी का तो हालत ऐसा हो गया कि कब उठते कोई पता नहीं, मतलब कोई ठिकाना नहीं है टाइम का। तो आज वो दिन है, और हम जहाँ पे रुके थे इस जगह का भी व्यू दिया हुआ नहीं था, तो अभी देख सकते हैं। शायद यहाँ पे पोखर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, पीछे देख रहे हैं बहुत कोई और भी है, और हम लोग का सूरज का फर्स्ट दर्शन मिल गया है, नहीं दिखाई दे रहा है। उगता हुआ सूरज, किसी ने खूब कहा है, सूरज की पहली किरण से खूबसूरत और कुछ भी नहीं। अभी हम लोग एकदम बैरेज के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे सब कोई थोड़ा बहुत चाय का लुक उठा रहा है। तो धीरे धीरे आगे जाएंगे, इस तरफ ज़्यादा बर्ड देखने को मिलता है, और सूरज तो लग रहा है जैसे आज में कुछ जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है, पता नहीं क्यों। सोचे थे छोटा मोटा एक टाइम लैप ले लेंगे, लेकिन वो तो संभव हुआ नहीं। तो अभी बर्ड के ऊपर किस्मत आजमाते, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, कैमरे में कितना देखने को मिलेगा पता नहीं, देखते हैं फिर आगे चल के दिखाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पानकोड़ी, ऐसे लोकल लैंग्वेज में, और इसका एक्चुअल नाम है कॉमरेड। इधर देख रहा है जो पानी के ऊपर चल रहा है, इसको बोलते हैं टपटेड डक। बहुत दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग को टपटेड डक भी देखने को मिला है, और यहाँ पे जो तापता है वो हम लोग को सब कुछ धीरे धीरे दिखा रहा है, क्या क्या है नहीं है समझा रहा है थोड़ा बहुत। कल में तो बहुत कुछ सुने थे लेकिन उतना याद तो रहता नहीं, आज भी थोड़ा बहुत दिखा रहा है, देखते और क्या क्या देखने को मिलता है। রেড ক্রিস্টেড বোচার্ড বলছে, আর তার ঠিক পেছনে দেখো আবার অনেকটা ওরকমই আছে, আর তার এই পাশে দেখো ওটাও সেম, কিন্তু এটা কালারটা একটু আলাদা, ওটা যে ফিমেল এখানে দুটো আছে ওটা কালার আলাদা, সাথে সাথে দুটো, হ্যাঁ এটা গাডুয়াল দুটো, ওখানে একটা আছে সামনে সাদা, ওটা টাফটেড টাফটেড ডাক, এটাই কি বলে সামনে থাকে करने के लिए व्हाइट कैप, ठीक है भाई।
अभी उनके जहाँ पे गया है उसका सामने देखो बर्फ किला है, देखा ऐसे कर छोटा ऐसा साइज का, ये सीधे पानी के अंदर जहाँ पे वो कुछ भी बनाया ना उसका ऊपर जो सर पूरा रेड जैसा कदम फूल होता है वैसा जो लाल कदम फूल जैसा वो है कौन सा पंछी कल दिखाया था रेड सर कैसा है रेड सर का वो जो स्टाइल है हेयर स्टाइल है उसको क्रिस्ट बोलता है रेड क्रिस्टेड स्पीसीज क्या है पोचर नाम कैसे होता है टोपो मेन है फिर दोनों में से नाम अलग दोनों को डिफाइन करने के लिए क्या नाम रखा है एक मुस्कान टोपो एक तापस टोपो दोनों सेम ही कैटेगरी का एक ही फैमिली का है मगर दोनों का नाम अलग है पर्सनालिटी अलग है तो इस हिसाब से ऐसे पंछी का भी नाम होता है पोचर हम लोग यहाँ पे और भी पोचर देखेंगे वो पोचर स्पीसीज का ही है मगर उसका जो सब स्पीसीज होता है उसका जो नाम होता है आइडेंटिफिकेशन नेम होता है वो अलग होता है वो इस हिसाब से होता है जैसे रेड स्टार बहुत सारा रेड स्टार है उसको क्यों व्हाइट कैप रेड स्टार बोला उसको उसका सर के ऊपर यहाँ पे व्हाइट का जैसा एक कैप रखा हुआ है तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन आता है वो आता है व्हाइट कैप रेड स्टार यहाँ पे जो पोचर देखा वो क्या नाम किससे ऊपर से आया रेड क्रेस्टेड फिर उसका पोचर ऐसे ही नाम होता है ठीक है देखो नाम कैसे आता है पंछी का रेड वाटेल वाटेल मतलब यहाँ पे जो इसका चमड़ी है ना ये थोड़ा ऐसे ऐसे झूल के आता है जैसे मुर्गे के ऊपर होता है ना झूठी वैसा उस यहाँ पे भी वैसा ही है वाटेल बोलते हैं उसको वो इसी हिसाब से रेड वाटेल लैपविंग स्पीसीज क्या है लैपविंग अभी और एक स्पीसीज देखेंगे रिवर लैपविंग वो भी मुस्कान टोपो और तापस टोपो जैसा है तो ये रेड वाटेल है वैसे सेम पंछी और एक तुम लोग अपना जगह पे देख सकते हो उसका सिर्फ यहाँ पे होगा येलो ये यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे ऐसे येलो कलर का मांस ऐसे निकल के आएगा फिर उसका क्या नाम हो सकता है ये अगर रेड वाटेल टॉप रेड वाटेल लैपिंग है तो जिसका यहाँ से येलो कलर का वो क्या नाम हो सकता है येलो वाटेल लैपिंग डिवाइडेड हो गया ऐसे नाम आता है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं जो आइडेंटिफिकेशन किया तो इस हिसाब से करता है अभी मानो एक एक बात बोल रहे दोनों सेम है तुमको क्या बोलेंगे ब्लैक हेयर टोपो उसका नाम क्या है ब्राउन हेयर टोपो ठीक है दोनों ही टोपो हो फिर उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफिकेट किया इसका ब्लैक हेयर है इसका ब्राउन हेयर है तो ये स्पीसीज भी ऐसे हम लोग डिवाइड जो बनाया साइंटिस्ट लोग ना वो ऐसे ही डिवाइड किया देखो पूरा फ्लाइट कैसे जा रहा है इसमें मेल और फीमेल कौन सा है कलर ये क्या कौन सा कलर का है इसमें पहले इसका कलर कौन सा देखा विंग कौन सा कलर का है क्या है व्हाइट आग कौन सा कलर का है मालूम है इसमें देखा येलो कलर का होता है ये देखो बीच बीच में ऐसा दिखाई देगा इसको जो बोट में क्या है माझी है देखो बोट में कोई माझी है उनकी पाव जाना था मुन्ना की
পাওয়া যান তেমন মাছ পাওয়া যায় पूरी ख़त्म नहीं हुआ है क्यों जो सुबह का बाट देखने हम लोग निकले थे वो ख़त्म हो चुका है। बहुत कुछ दिखा नहीं पाए, बहुत कुछ अपनी आंखों से जितना देखे जितना एक्सपीरियंस कीजिए वो तो दिखाना मुश्किल है क्योंकि कैमरे में उतना आता ही नहीं है। मेरा कैमरा तो छोड़िए, यहाँ पे बड़ा बड़ा DSLR उसमें ही नहीं आता है तो मेरा बात क्या बोलेंगे। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है उसके साथ में बहुत अच्छा लेंस भी है तो ठीक है, नहीं तो क्या बोले। हाँ, अपने आँखों से बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारा है लेकिन कैमरे में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर आते तो नाव पे भी घूमने का यहाँ पे उपाय है, नाव में घूम सकते हैं। तो इतना बोल पाएंगे कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि सुबह में उठ के ऐसे इतना पंछियों को देखना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इतना गर्म लगा कि जैकेट भी खोल दिया, अभी सुबह के तो ठंडा लग रहा था अभी गर्म लग रहा है, लेकिन घूमते घूमते अभी लग गया है भूख। अभी जाएंगे थोड़ा बहुत टिफिन वगैरह करेंगे फिर आगे देखते हैं। यही है बोली रेस्टोरेंट का एंट्रेंस, किसी को भी बताइए वो दिखा देगा। यहाँ का नेचुरल खूबसूरती आने से ही पता चल जाता है। जैसे घुसते हैं साइड में एक पोखर है, इसके साइड में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। लेफ्ट साइड में देखेंगे बड़ा सा एक तालाब टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा मछली भी है, बतख वगैरह तैरते रहता है। बहुत ही खूबसूरत है, ये हो गया रिसोर्ट। यहाँ पे ये तेज का तेज पत्ता है, खूबसूरत सा कुछ फन टाइप का है, पता नहीं क्या है। यहाँ पे जिधर भी देखेंगे पेड़ ही पेड़ लगा हुआ है, या तेज पत्ता, ये लीचू का पेड़, अमरूद का, यहाँ पे हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। मतलब खूबसूरती ही खूबसूरती। यहाँ पे देखिए ये कामरांगा का पेड़, अभी हिंदी में क्या बोलता है मुझे भी नहीं पता। नीचे देखिए खूबसूरत सा बैठने के लिए बना हुआ है, यहाँ पे चाहते हैं तो आराम से बैठिए झूला झूलिए। ये देखिए बहुत सारा बैठने का जगह है, नाव का भी शायद, नाव में घूमने का भी उपाय है, वो तो हम लोग ये नहीं है। इधर में गार्डन बना हुआ है, मतलब नेचुरल जो ब्यूटी बोलते हैं वो यहाँ पे कूट कूट के भरा हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत खरगोश है, वो छोटा बच्चा भी है, वाह बहुत ही खूबसूरत है, सारा दिन खेलते रहता। नीचे भी है और एक
जो मुझे सबसे खास चीज लगा वो ये है, ये ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है। इसके बारे में कल हम ऑलरेडी जितना मुझे जानकारी था बता चुके हैं। अगर किसी को उसके बारे में नहीं पता तो कल वाला वीडियो देख लीजिए, ज़रूर अच्छा लगेगा। ये हो गया वो झील और ये है हम लोगों का टेंट ग्राउंड। यहाँ पे हम लोगों का छोटा बड़ा मिला के बहुत सारा टेंट बना हुआ है। ये देखिए आके सब कोई रेस्ट कर रहा है। तापो सर हम लोग मतलब जो लोग आए हैं लोग को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि वो यहाँ पे वर्ड कैंप को अटेंड किए हैं, इसका एक सर्टिफिकेट प्रूफ भी मिलता है। तो और क्या बोलेंगे, अभी जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, खाना वाना तो सब हो चुका है। अभी टेंट सब गुटा लेंगे, उसके बाद जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। चलिए सर्टिफिकेट सेरेमनी चालू, मतलब होता हम सभी जो जो आए हैं यहाँ पे बर्ड वॉचिंग कैंप पे तो सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है हम लोग का बर्ड वॉचिंग कैंप जो एमटीएफ की तरफ से किया हुआ था। तो अभी जितना था जितना दिखा पाए जितना बोल पाए आप सबको दिखा चुके हैं, बोल चुके हैं। अभी हो गया जाने का टाइम, मन तो नहीं हो रहा है, लग रहा है जैसे आज भी यहीं पे रुक जाए, लेकिन क्या कर सकते, जाना तो पड़ेगा ही। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोगों को घूमना ऐसे एडवेंचर करना पसंद है उन लोगों के साथ, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।